शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी भोली भाली आरती आरती ये कर सकती है। मगरमच्छ कुनाल हमारी भोली भाली आरती को ये अपने वश में कर, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो आरती को अपने दलदल में फंसाते ही जाएगा और वो फंसती जाएगी। ये सब ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए, कल के कल ही इस मगरमच्छ कुनाल की असलियत आरती के सामने आकर ही रहेगी। कुछ भी हो जाए हार नहीं मान सकते हम। तनुजा ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ भाभी। हेलो। हाँ बस बस हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। बाय। कीर्ति बेटा आप कहीं जा रहे हो? माँ हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं चेकअप कराने। डॉक्टर के पास? बेटा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ हम बिल्कुल ठीक है, बस रूटीन चेकअप है। अच्छा ठीक है तो हम भी चलते हैं आपके साथ, ऐसी हालत में ना आपका अकेले जाना ठीक नहीं। हाँ भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चल। माँ नहीं नहीं पास में ही है डॉक्टर, बिल्कुल हम जाकर आ जाएंगे। आप ना आप ये स्वेटर बनाइए बेबी के लिए। ठीक है संभाल के जाइएगा, हम फटाक से जाकर आते हैं। नजर न लगा भाभी, आपका परिवार तो फिर से जुड़ गया, तो पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई। अरे ये अभय और श्रद्धा आप तो। तनुजा क्यों कुछ हुआ है क्या? अरे भाभी आपसे क्या बताएं, पहले अभय तो श्रद्धा की तारीफ करते थकता ही नहीं था और अब तो जैसे उसकी शक्ल ही वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये सब तो होना ही था आंटी जी। मतलब कार्यक्रम घर के बाहर जो चल रहा है ये ऋतु भी देखी नहीं सुबह से। श्रद्धा हम तैयार है, तुम भी आ जाओ। दफ्तर की छुट्टी है ना तो तुम बाहर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी रसोई का सामान कम पड़ गया है ना तो वही लेने जा रही थी। कोई जरूरत नहीं, तुम एक काम करो, तुम ना अपने पापा जी के लिए हलवा बना दो, उनका मीठा खाने का मन कर रहा है ना। चलो जाओ। श्रद्धा को इतना वक्त क्यों लग रहा है आने में? हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, अगर किसी ने हमें इन कपड़ों में देख लिया तो बहुत ज्यादा सवाल जवाब होंगे। श्रद्धा बेटा हलवा तो बन ही रहा है, एक काम करो पापा जी के लिए ना चाय पकोड़े भी बना दो। हाँ क्योंकि पापा जी का कोई भरोसा नहीं है, उनकी मिजाज कभी भी बदल सकती है। ठीक है चलो। आपने साइन नहीं किया कीर्ति जी? मन तो नहीं बदल गया आपका या प्रेग्नेंट हो गई आप? क्योंकि फिर तो भूल जाइए, लाखों रुपए का नुकसान मैं नहीं उठा सकता। नहीं वैसा कुछ नहीं है वो बस। चलिए आप कहती है तो मान लेते हैं, लीजिए चलिए साइन कीजिए।
अतरंगी कपड़े पहन कर यहाँ आ गए और तुम वहाँ हलवा बना रही हो? हमें बहुत डर लग रहा है, जल्दी से आओ, हमें पसीना आ रहा है, कहीं हमारा मेकअप ना निकल जाए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस निकल ही रही हूँ यहाँ से। कुणाल से मिलने का मौका हम गंवा नहीं सकते हैं। जल्दी आओ। मुश्किलें आनी थी आ गई, लेकिन अब हमारे साथ और हमारे बच्चे के साथ सब अच्छा ही होगा। देखिए इस घर में अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। उस कुणाल की बातों में आकर वरुण जी के साथ अपना रिश्ता दोबारा से कमजोर मत पड़ेंगे। कैमरे में जब हमने आपको देखा तो आपकी फोटो सीधा हमारे मन से होते हुए घंटाघर चौराहे के बड़े से बैनर पर जाकर के चिपक गई, जिसमें ब्यूटी क्रीम का एड है और आपका चेहरा। वैसे पैसे कितने मिलेंगे? ये तकरीबन 1,00,000। जी, क्या सोचा आपने? इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके सफलता की उड़ान उड़नी है कि नहीं? साइन नहीं करना है तो भी बता दीजिए। बुआ जी, क्या बुआ कहां कहां है बुआ जी आपकी? वो फोन आया था बुआ जी का। हमें ना जल्दी घर निकलना होगा, बहुत अर्जेंट है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, यहाँ घंटी बजी नहीं और बिना फोन उठाए बात हो गई। क्या चल क्या रहा है? श्रद्धा फोन उठाओ। फोन आया था, मतलब यहाँ आने से पहले आया था तो अभी नहीं आया, पर आया फोन। और हमें ना बहुत बहुत अर्जेंट काम है, हमें घर जाना होगा। हम आपसे बाद में मिलते हैं। अरे लेकिन माता रानी, ये तूफान मेल आज हमसे आकर टकराना चाहे। श्रद्धा देवी फोन उठा, मुझे फोन ही नहीं उठा रही। कुणाल आ गया क्या वहां पर? कुणाल को गोली मारो और तुम्हारी शेरनी बहन हमारे सामने है, उसे हमें देख लिया है। कीर्ति क्या कर रही है वहां पर? कीर्ति यहीं पर है। हमारे घर की सारी लड़कियां इस मगरमच्छ के जाल में फंसी हुई है, हमें बचा लो। अरे बाप रे, आप सबको छोड़िए और बस निकलिए वहां से, निकलिए जल्दी। ऐसे एकदम से कहां चली गई तुम? वो हमारा फोन रह गया, हमें बहुत जरूरी काम है, हम बाद में मिलते हैं। अरे बट बात तो सुन लो यार, बाद में मिलते हैं। घर पे बड़ा तमाशा करेंगी बुआ जी, कुणाल के साथ जो देख लिया है हमें, मौका थोड़ी छोड़ेंगी।
दोनों का ना हाथ से निकल जाए कुनाल का भांडा फोड़ने का, अगर इसने उस मगरमच्छ को सब कुछ बता दिया तो। इस कुनाल ने ना तो आरती को छोड़ा ना मेरी बहन को। कीर्ति को समझाना जरूरी है कि ऐसे लोगों से दूर रहे। तुम भाई, अरे तुम्हें खाना नहीं बनाना तो तुम बोल देना था ना। अरे हमने पकोड़े बनाने बोले थे, तुमने मिर्ची डाल दी। मम्मी जी बस मन की बात नहीं है मम्मी, बस घर के काम से ज्यादा ध्यान इसका बाहर के कामों में। और तुम उसकी मदद करने आ गए? पानी लेने आया था मम्मी। अरे श्रद्धा, काम चाहे घर का हो या बाहर का, संतुलन बनाकर रखना जरूरी है। और देखो तुम ना ये सब खाना ठीक से बनाओ भाई, और हाँ इसके बाद स्टोर रूम में आ जाना, बहुत काम बाकी है, जल्दी हाथ चलाओ। पानी अकेले में अच्छा बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मैं तो बस आपको पानी अभी बोलना चाहती हूँ। या फिर कुनाल, दिल भर आता ना तुम्हारा कुनाल का नाम सुनते। तो क्यों हो मेरे साथ, तो ये 7 दिन का नाटक करके क्यों चोट पहुंचाना चाहती हूँ मुझे? और याद आ रही है उसकी, मिलना है उससे, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, नहीं रोकूंगा तुम्हें, बस मुझे अकेला छोड़ दो। अबे छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। और उस दर्द का क्या जो तुमने मुझे दिया है? आज खुश तो बहुत होगी तुम, आखिरी रात है ना तुम्हारी इस घर में, तुम्हारी 7 दिन की तपस्या खत्म हो रही है आज। हाँ मैं भी यही चाहती हूं कि ये 7 दिन की तपस्या जल्दी खत्म हो, ताकि आपके और मेरे बीच की इस गलत फहमी से आजादी मिले। स्वीटू, स्वीटू, देखो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेके आया हूँ। स्वीटू। वरुण बेटा, कीर्ति तो बाहर गई है। बाहर? अकेले या
किसी को साथ लेके गई? वो तो अकेली गई है। अकेले? कहाँ गई थी तुम? वो वरुण जी, वो हम ना। अरे वरुण बेटा, कीर्ति को डराइए मत। वो डॉक्टर के पास गई थी रूटीन चेकअप करवाने के लिए। मम्मी, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस उसे ऐसे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था। या तो मुझे बोल देती या आपको ले जाती साथ में। अरे हमने उनसे कहा था कि हम साथ चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि डॉक्टर पास में ही है, तो वो अकेली चली जाएंगी। नहीं, वो तो कहेगी, पर आप तो समझदार हो, ऐसी हालत में कीर्ति को अकेले बाहर नहीं जाने देना चाहिए। ये उसके लिए और हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। एनीवेज, कीर्ति, डॉक्टर ने क्या बोला? कोई परेशानी तो नहीं है ना? सब ठीक है? वरुण जी, हम बिल्कुल ठीक है, पर आप हमारे साथ हैं, तो हमें कुछ हो सकता है क्या? वो सब तो ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम अकेले बाहर कभी नहीं जाओगी। या तो मुझे बोलना या फिर मम्मी को साथ लेके जाना, ठीक है? पक्का। पर आप ना बहुत ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। इतना तो हम अपने आप को संभाल ही सकते हैं ना। हाँ, पर तुम्हें ऐसे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था, मुझे वहां पे होना चाहिए था तुम्हारे साथ। वरुण बेटा, आप इतना परेशान मत होइए। अच्छा, आगे से हम सब ध्यान रखेंगे, ठीक है? ऐसे ही चलता रहा तो ये तो हमें सांस भी अकेले नहीं लेने देंगे। अब फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए चाय बना कर लाते हैं। जी मैम। घर के अंदर घर वाले, घर के बाहर भी घर वाले, कहीं भी चैन नहीं। और तीतू ने अगर बुआ जी को बता दिया तो वो अलग हमारे दिमाग खा जाएंगी। हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय, अब तो मुझे भी तुमसे आजादी मिल जाएगी। श्रद्धा, कैसे बीत गए ना ये 7 दिन। टिक टॉक, देखो ना, बस कुछ ही घंटे तो बाकी रह गए। बहुत तड़प हो रही है मुझे कि कब ये काली रात बीते और तुम इस घर से बाहर, फिर सब तुम्हारी शक्ल भूल जाएंगे। चली तो जाऊंगी, पर अब सिर्फ आरती ही नहीं, कीर्ति से भी इस बारे में बात करनी होगी। अब तो ना एक पल भी हम आपको अपनी आंखों से दूर नहीं होने देंगे। हम घर पे भी कौन सा अकेले रह पाते हैं ये। कीर्ति, क्या सोच रही हैं आप? अब इन्हें मन की भी हर बात जाननी है। माँ, हमें ना गरम गरम दूध पीने का मन कर रहा है। दूध? अरे वाह, ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ना सेब खाइए, हम अभी दूध लेकर आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता तो नहीं चल गया? हमें पता है आप दोनों यहाँ क्यों आई हैं। श्रद्धा, तुम्हारी बहन तो तुमसे भी सवा शेर निकली।
हुआ शेर, तो आपको क्या कहेंगे बुआ जी? ये जो हुलिया बना के आप घूम रही है ना, हा? देखो हम वहाँ कोई गलत काम करने नहीं गए थे, बता रहे। अच्छा, घर की बहू बेटियों पे जासूसी करती, ये कोई अच्छा काम है? हा? जासूसी? हाँ। ओहो, अरे हम तो वहाँ क्या सोच कर गए थे और क्या निकला? अरे हम तो उसको बुआ जी कुछ भी तो नहीं कहने आए हम। कीर्ति, हम तो बस ये कहने आए थे कि तूने फिर से घर वालों से झूठ बोलना शुरू कर दिया है ना। तूने सबको ये कहा कि तू डॉक्टर के पास जा रही है और तू वहाँ उस लफंगे से मिलने चली गई। दीदू, हमें अपना भला बुरा पता है। तेरे अपने इस भले बुरे के चलते घर वालों का बुरा ना हो जाए, ऐसी गलती दोबारा मत करना। क्या गलती कर दी हमारी कीर्ति ने? दाई जी देखिए ना, कीर्ति बाहर अकेली ही चली गई। वही तो, आज वरुण भी हम पे बिगड़ गए। अब तो हम आंखें बंद भी कर लेना तो भी कीर्ति को अकेला छोड़ना नामुमकिन है। यहाँ आइए बैठिए, दूध पी लीजिए गरम गरम। कीर्ति तू अभी आराम कर, हम बाद में बात करेंगे। पीजिए पीजिए। बुआ जी आप ऐसी हालत में कीर्ति को ज्यादा डांट भी नहीं सकते, और वो उस कुनाल के जाल में फंसती ही जा रही है। जब आप उस मायावी राक्षस की पोल खोलेंगे, भांडा खोलेंगे, तब देखना इस कीर्ति और आरती के झूठे सपने भी उसी के साथ फूट जाएंगे। लगता है आपको चिढ़ाने में बहुत मजा आता है रीता जी। हाँ? हमें बुलाई और खुद ही नहीं आई। कुणाल जी आपने सुना होगा सब्र का फल मीठा होता है। सिर्फ बातें बना रही हैं या हमें ही बना रही हैं? चलिए बताइए अब दर्शन कब करवाएंगी? अजी हम तो दर्शन देने आए थे ना, आप ही किसी और की आंखों में खोए हुए थे। उफ, ये जलन की खुशबू यहाँ तक आ रही है रीता जी। पर कमबख्त काम में ऐसा व्यस्त था कि मिलना ही नहीं हो पाया। आप हमें ये बताइए कुणाल जी, कि आपके सारे काम इतने खूबसूरत होते हैं? बिल्कुल आप जैसे। उफ रीता जी, अब तो आपकी सुंदरता को सामने से निहारना है। अजी निहारिएगा, लेकिन हमें दुनिया के सामने ना बड़ी शर्म आती है। अरे तो अकेले में मिल लेंगे, सिर्फ आप और मैं। ठीक है, तो 10 बजे मिले। रात को 10 बजे? इतनी भी बेचैन मत होइए कुणाल जी, कल सुबह 10 बजे वही कहते तो। अरे वादा रहा रीटा जी, अब तो आपको सामने से ही नहीं आ रहेंगे। श्रद्धा, अब मैं बहुत डर लग रहा है, अगर कल जरा सी गड़बड़ हो गई तो कुणाल के लिए हमने जो जाल बिछाया वो सारा टाटा फिश हो जाएगा। नहीं बुआ जी, कल कुछ भी करके सब कुछ सही होना चाहिए, हमारा हर कदम सही राह पर है, बस कल की तैयारी अच्छे से करनी है और इस कुणाल की असलियत आरती के सामने लाकर ही रखनी होगी। कल मेरी इस परीक्षा का आखिरी दिन है। आज के लिए आप तैयार हैं ना? श्रद्धा, वैसे तो हम तैयार हैं, लेकिन हमारा दिल दूर सोचते तब तक तब तक। बुआ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप आगे चलिए, मैं आरती को लेकर आती हूँ। आज आपके हाथों हमारी किस्मत की लकीरें खींची जाएंगी।
किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।